Hi, welcome to session number three on designing Android applications like Practo Doctor's application. In this course, till now we have covered introduction to Practo Android app design. We have got introduction with multiple tools like Adobe XD, and all the files have already been shared. Followed by, in day two session, we have covered designing login page for Practo application, and both the video sessions are being available. So we'll quickly get started now and quickly see how to start building the actual page, connect with the code, and get the fundamentals of Kotlin programming language in order to build front end integrated with back end applications. So in order to do it, initially, sir, Hindi mein thoda bataiye, main zyada comfortable hun. तो हम एंड्रॉइड स्टूडियो एक बार स्टार्ट कर लेते हैं. एंड्रॉइड स्टूडियो में हमने एक एप्लीकेशन बिल्ड करना स्टार्ट किया था जिसका नाम है विन ऐप. हाँ जी, ओके. सो मैं इसे ओपन कर रहा हूँ एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर जिसे हमें बिल्ड करना है. आई डू वन मोर थिंग, हम एक नया रेपो भी क्रिएट कर लेते हैं गिटहब के ऊपर. सो गिटहब पे हम अपना पूरा प्रोजेक्ट सोर्स कोड सीक्वेंस बाय सीक्वेंस हम स्टोर करके रखेंगे सो दैट इट विल बी इजी टू मैनेज बिग प्रोजेक्ट्स यूजिंग गिटहब. एंड मल्टीपल डेवलपर्स कैन ऑल्सो मल्टीपल डेवलपर्स भी प्रोजेक्ट पे कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. ओके, वैसे सर क्या है, क्या मतलब ये गिटहब क्या है? गिटहब एक वर्जन कंट्रोल सॉफ्टवेयर होता है. वर्जन कंट्रोल सॉफ्टवेयर का मतलब ये होता है जैसे अगर आपके टीम में एक से ज्यादा लोग हैं जो सेम प्रोजेक्ट के अलग अलग मॉड्यूल्स के ऊपर काम कर रहे हैं तो वो पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को एक साथ कोलैबोरेटेड रखने के लिए गिटहब का यूज होता है. ठीक है, ओके ओके, ठीक है. मतलब मल्टीपल यूजर्स इस पे काम कर सकते हैं. मल्टीपल यूजर्स सेम प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं. आज कंपनीज होती हैं वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कर रही होती हैं उसमें मल्टीपल डेवलपर्स होते हैं तो मल्टीपल डेवलपर्स अपने अपने पार्ट का कोड लिखते हैं और फिर उसे मर्ज करते हैं और फिर एप्लीकेशन लाइक जाती है और रन होती है. ओके ओके, तो सब लोग गिटहब का यूज करते हैं. ठीक है, सो व्हाट मैं क्या करूंगा, मैं अभी एक नया रिपोजिटरी क्रिएट करूंगा. आई क्रिएट अ न्यू रेपो. इस रिपोजिटरी का नाम होगा Practo App. Practo App के नाम से मैं इस एप्लीकेशन को बनाऊंगा. Practo Lookalike Application, मोबाइल एप्लीकेशन फॉर एंड्रॉइड. इसके लिए मुझे एक डायरेक्टरी चूज करनी पड़ती है. डायरेक्टरी चूज करने के लिए मैं अपने डाउनलोड्स में जाऊंगा, एक न्यू फोल्डर क्रिएट करूंगा और मैं इसका नाम दूंगा Practo App. ठीक है, अब क्या होगा, मैं जो भी सोर्स कोड्स अपने लोकल मशीन के अंदर Practo App डायरेक्टरी के अंदर रखूंगा वहां से मैं गिटहब के सेंट्रल रेपो में कोड को पुश कर सकता हूँ. उस कोड को आप एंड पे भी एक्सेस कर सकते हो और अगर मल्टीपल डेवलपर्स काम कर रहे हैं वो भी एक्सेस कर सकते हैं. Okay. इसके लिए हमें गिटहब के कुछ बेसिक फंडामेंटल्स पता होने चाहिए. उसका मैं आपको वीडियो सीरीज पुश कर दूंगा. उस वीडियो सीरीज को गो थ्रू करके आपको गिटहब कैसे यूज करते हैं वो पता लग जाएगा. ठीक है, काफी इम्पोर्टेंट टूल है. अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करेंगे आगे फ्यूचर में तो आपको गिटहब 100% रिक्वायर्ड होगा. गिटहब को इंस्टॉल करना भी बहुत ईजी है. आप विंडोज में गिटहब डेस्कटॉप को इंस्टॉल कर सकते हैं. गूगल पे जाके आपको सिंपली गिटहब डेस्कटॉप डाउनलोड करना है फॉर विंडोज और मैक, सबके लिए अवेलेबल है. यूआरएल है desktop.github.com. तो यहाँ से आप गिटहब फॉर मैक विंडोज लिनक्स सबके लिए आप इंस्टॉल कर सकते हैं. ठीक है, मैं ये लिंक अपने बोर्ड पे शेयर कर देता हूँ. Objective would be download GitHub desktop for project
वर्जन कंट्रोल। अब होता क्या है कि जैसे एक बार आपने एप्लीकेशन बिल्ड कर ली, एप्लीकेशन आपके सर्वर पे डिप्लॉय कर दी और ऐप स्टोर पे प्ले स्टोर पे अपलोड कर दी, अब आप नए फीचर्स इंट्रोड्यूस करते जाएंगे एप्लीकेशन के अंदर। नए फीचर इंट्रोड्यूस करने का मतलब है कि आप नया कोड लिखोगे, फिर नया कोड लिखने का मतलब नया वर्जन बनेगा एप्लीकेशन। तो वो वर्जन हम सेंट्रली गिटहब के ऊपर रखते हैं, एप्लीकेशन के मल्टीपल वर्जन्स चेंज होते जाते हैं एंड वो सर्वर के साथ सिंक होके यूजर्स उसको प्रॉपरली एक्सेस कर पाते हैं, उसके लिए हम गिटहब का यूज करते हैं। ठीक है ठीक है, ओके। सो ये वाला पार्ट काफी इम्पोर्टेंट है। गिटहब हमने एक्सेस कर लिया, गिटहब के लिए गिटहब डेस्कटॉप जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपके पास एक ऐसा इंटरफेस मिलेगा जिस पे ऐड पे क्रिएट न्यू रेपो पे आप जाओगे, ठीक है। ठीक है, देन हम एक रीडमी फाइल भी बना सकते हैं, एक रीडमी फाइल बन जाएगी। रीडमी फाइल के अंदर हम अपना एक बेसिक डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं कि वो प्रोजेक्ट का कंटेंट क्या है, ठीक है। सो दैट फर्स्ट टाइम यूजर अगर हमारे प्रोजेक्ट को एक्सेस कर रहा है या कोई इंटरनल टीम डेवलपर अगर हमारे प्रोजेक्ट को एक्सेस कर रहा है तो उसे पता लग जाता है। एक रीडर मैनुअल की तरीके से हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। ठीक है, दो फाइल्स होती हैं, हम गिट इग्नोर भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके प्रोजेक्ट के अंदर कुछ ऐसी फाइल्स हैं जो आप सर्वर पे अपलोड नहीं करना चाहते, ठीक है। ठीक है, कोई कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स थी या कुछ ऐसी टेस्ट फाइल्स थी तो आप उनको सेलेक्ट कर सकते हैं गिट इग्नोर में, सो दैट जब गिट पुश करेगा वो आपके उन फाइल्स को पुश नहीं करेगा, बाकी जो ओरिजिनल कोड जितना रिक्वायर्ड कोड है सिर्फ उसको पुश करेगा, ठीक है। आप इसको सीखेंगे, आप अपने कोड को लाइसेंस भी कर सकते हैं। लाइसेंस करने से ये बेनिफिट होता है कि कोई आपके कोड को बिना आपको रेफरेंस दिए या क्रेडिट दिए यूज नहीं कर सकता। अगर आप ओपन सोर्स अपने कोड को, उससे बेनिफिट ये भी है डिपेंडिंग ऑन द लाइसेंस, कई सारी फैसिलिटी आपके पास होती है कि अगर किसी ने आपके कोड को रीयूज किया है तो आप क्रेडिट ले सकते हैं उस चीज का या रॉयल्टी चार्ज कर सकते हैं, वो ऑप्शन अवेलेबल, ठीक है। ठीक है, करेंटली मान लीजिए हमारा नॉन लाइसेंस है और अब हम इसको रेपो क्रिएट करेंगे। सो ये कह रहा है कि दिस डायरेक्टरी अपीयर्स टू बी अ गेट रेपो, वुड यू लाइक टू ऐड दिस रिपोजिटरी इंस्टेड? यस, ठीक है। ट्रैक्टो ऐप के नाम से रेपो हमारी ऐड थी, ठीक है, ठीक ऐड कर लिया हमने। जब ऐड किया है तो अभी आपको यहाँ पे एक्सेस मिल जाएगा। ये है हमारी प्रैक्टो की रेपो। यहाँ पे एक सेकेंड, एक काम करते हैं, हम एक काम और भी कर सकते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे वेबसाइट है github.com, ओके। तो github.com पे हम अपनी रेपोज बनाते हैं, तो मैं एक काम करता हूँ, एक प्रॉपर रेपो यहाँ पे ही क्रिएट करता हूँ। सो गिटहब पे अकाउंट बनाना फ्रीली अवेलेबल है, आप फ्री में एक गिटहब अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। एक और स्टेप आपको करना होगा, यू हैव टू क्रिएट, मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, क्रिएट अ गिटहब अकाउंट एंड इंस्टॉल गिटहब डेस्कटॉप फॉर प्रोजेक्ट वर्जन कंट्रोल, ठीक है, करना होगा। सो गिटहब पे एक अकाउंट आप क्रिएट करेंगे, अकाउंट बेसिक साइन अप प्रोसेस की तरह है, आपको अपना आईडी पासवर्ड डालना होगा, फिर आपके पास एक ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। इंटरफेस पे जाके आपको न्यू रिपोजिटरी पे क्लिक करना है। सो जो भी आपका अकाउंट होगा उस अकाउंट के अंदर आप अपनी रिपोजिटरी बना सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने बनाई रिपोजिटरी प्रैक्टो ऐप, ठीक है। प्रैक्टो ऐप में मैं दिखा दूंगा, प्रैक्टो लुक अलाइक एप्लीकेशन एप्लीकेशन फॉर एंड्रॉइड यूजिंग कॉटलिन,
कोटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू हम इसे कर रहे हैं। आप अपनी रिपोजिटरी पब्लिक और प्राइवेट दोनों कर सकते हैं। जैसे आप कोई ओपन सोर्स कोड लिख रहे हैं, इसमें आप चाहते हैं पब्लिकली लोग आपको कंट्रीब्यूट कर सकें, हेल्प कर सकें के लिए, तो आप रिपोजिटरी को पब्लिक रख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपके कोड को रीयूज करके आपके लिए भी बिल्ड कर सके एप्लीकेशन, तो आप उसे पब्लिक रख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। प्राइवेट हम तब रखते हैं जैसे कि हम चाहते हैं कि सिर्फ हमारी इंटरनल टीम मेंबर के पास एक्सेस हो, उसमें हमें मैन्युअली जाके अपने डेवलपर्स को ऐड करना पड़ता है। तो मोस्टली इंडस्ट्रीज प्राइवेट रखती हैं, सोर्स कोड सिर्फ उनकी इंटरनल टीम मेंबर ही एक्सेस कर पाती है। जो भी वर्जन चेंज होता है या वर्जन कंट्रोल करने के लिए वो प्राइवेट रिपोजिटरी के अंदर कोड पुश किया जाता है। ठीक है, ठीक है जी। अभी हम इसे पब्लिक रखेंगे ताकि हमारे स्टूडेंट्स हैं वो उसे एक्सेस कर सकें कोड को। ठीक है, आप एक रीडमी फाइल, एक इग्नोर फाइल और चूज अ लाइसेंस, ये ऑप्शनल चीजें हैं, इन्हें भी आप क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने लिख लिया, एक रीडमी फाइल ऐड हो जाएगी, उसका हम डिस्क्रिप्शन कर देंगे बाद में। गिट इग्नोर और लाइसेंस की अभी हमें जरूरत खास नहीं है, बट लाइसेंस आप चाहें तो अपाचे लाइसेंस यूज कर सकते हैं, MIT लाइसेंस यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लाइसेंसेज ऐसे हैं जिसमें यू आर आस्किंग देम टू यूज द कोड बाय क्रेडिटिंग। ओके, क्रेडिट, ठीक है। अपाचे लाइसेंस यूज कर सकते हैं, ये सब ओपन सोर्स लाइसेंस। मैंने अपाचे लाइसेंस यूज कर लिया मान लीजिए, या मैंने MIT लाइसेंस यूज कर लिया। तो बहुत सारे मोस्टली अगर आप देखोगे प्रोजेक्ट्स गिटहब के ऊपर तो MIT लाइसेंस के होते हैं। ठीक है, क्रिएट कर लिया हमने रेपो। जैसे हमने क्रिएट कर लिया, अब यहाँ पे लाइसेंस और रीडमी फाइल दोनों तो लोड हो गई है। ठीक है, प्रैक्टिव एप्लीकेशन का एक रीडमी हमें डिस्प्ले भी कर रहा है। अगर हम चाहें बाद में इसे एडिट करना कि हम एक्चुअली क्या बना रहे हैं, ठीक है, we can use it, Tracto look like application. अगर हम इसमें कुछ images attach करना चाहते हैं for our reference that what are we trying to build, ठीक है, कुछ basic commands जो कि requirement हैं, तो वो सब हम यहाँ पे edit कर सकते हैं अपने file को। अगर application को use करना चाहता है या continue करना चाहता है उसके ऊपर काम करना, तो he can get the information from the readme file। ठीक, ठीक है। तो मैंने अभी तो कैंसिल कर दिए हैं चेंजेस, इट इज गोइंग टू बी सिंपली समवट लाइक दिस, जिसमें मेरे पास ट्रैक्टो ऐप है और लाइसेंस है। अब बाकी जो एक्सटर्नल फाइल्स हैं वो यहाँ पे हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो इसका फायदा क्या होगा कि ये जो ट्रैक्टो ऐप का URL बना है, ठीक है, github.com/ट्रैक्टो ऐप, ये अब आप शेयर कर सकते हैं दूसरे यूजर्स के साथ। ठीक है, so what I can do is I can share GitHub repository for version control. So here if you can click on this GitHub Hackveda, so आप directly open कर सकते हैं GitHub page को और वहां से source code, readme file सब कुछ observe कर पाएंगे। ठीक है, ठीक है। और अगर आप नहीं चाहते थे कि कोई आपकी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करे, सो इन दैट केस आपको प्राइवेट रखनी होगी। ठीक, ठीक है, थैंक यू। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। Okay, now what we have to do, we have to get started. Basic wireframing design to hum kar chuke hain using Adobe XD. Ek page humne create kiya tha. Theek hai, now we are going to develop it. Sorry, develop login page for Tracto app using Android Studio. And okay. ये पार्ट हम करते हैं। अब हमें करना क्या है, GitHub desktop पे अब मैं
क्लोन करूंगा रिपोजिटरी. ओके, आई एम गोइंग टू क्लोन द रिपोजिटरी. क्लोन करने के लिए github.com से डायरेक्टली रिपोजिटरी क्लोन कर सकता हूँ. ठीक है, तो जो मैंने github.com पे जो अभी बनाई थी न्यू रिपोजिटरी फैक्टो ऐप के नाम से, सो आई गॉट एक्सेस हियर. ओके, ये है हमारी रेपो. इस प्रैक्टो ऐप को हम यूजर्स एक्विला डाउनलोड प्रैक्टो ऐप के साथ में क्लोन कर देंगे, सिंक कर देंगे. ठीक है, इससे बेनिफिट क्या होगा, अब जो भी कोड मैं अपने कंप्यूटर में लिखूंगा आई विल मेंटेन इट इन प्रैक्टो ऐप डायरेक्टरी. जो भी अपडेट्स होते जा रहे हैं मैं कमिट करूंगा, कमिट करके वो सारा का सारा कोड गिटहब पे जाके स्टोर हो जाएगा. ठीक है, अगर मेरी दूसरी टीम भी काम कर रही है उसी सेम प्रोजेक्ट पर तो उनको अपडेटेड कोड वहां से मिल जाएगा गिटहब से, और वो अपने लोकल मशीन के ऊपर काम करके अपने मॉडिफिकेशंस जो भी उन्हें करने हैं दे कैन डू. ओके, ठीक है, तो उससे बेनिफिट ये होता है कि मल्टीपल टीम्स रिमोटली सेम प्रोजेक्ट के ऊपर कॉन्ट्रीब्यूट कर पाती है. ठीक है, बिकॉज जब हम एक बड़ी एप्लीकेशन डिजाइन कर रहे होते हैं तो उसमें बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं एंड इंडिविजुअली यूजर एक पूरी की पूरी एप्लीकेशन नहीं बना सकता. ठीक है, एक पूरी टेक्निकल टीम होती है, मिनिमम 3-4 पीपल की एक टेक्निकल टीम होती है कि एप्लीकेशन को बिल्ड करते हैं. तो सब अपने एंड पे अपने अपने टाइम जोन के बेसिस के ऊपर प्रोजेक्ट के ऊपर कोड लिखते हैं, कॉन्ट्रीब्यूट कर, और वो कोड गिटहब के ऊपर पुश कर देते हैं. फिर उनकी सिंक्रोनाइजेशन करके जो फाइनल ब्रांच होती है मेन ब्रांच, उस मेन ब्रांच के अंदर हमेशा अपडेटेड कोड होता है, और वो अपडेटेड कोड जब भी हमें एप्लीकेशन को लाइव करना है तो वो एप्लीकेशन पुश की जाती है. जस्ट अलाउ मी वन मिनट, आई थिंक में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, चेंज इट एंड पुश इट. ओके, नाउ अभी आपको स्क्रीन विजिबल है. हाँ जी, अब मेरी प्रैक्टो ऐप जो रिपोजिटरी है वो कनेक्ट हो गई है. आप देखो मुझे MIT लाइसेंस भी दिख रहा है जो मैंने लाइसेंस आपके अपलोड किया था, रीडमी भी दिख रहा है. हम यहाँ से मॉडिफिकेशंस भी कर सकते हैं अगर चाहें तो. फाइनली अब हमारी प्रैक्टो ऐप डायरेक्टरी के अंदर जो भी चेंज होगा, यानी जो भी न्यू फाइल्स आएंगी या उन फाइल्स के अंदर कुछ अपडेट होगा, तो ऑटोमेटिकली वो फाइल्स हमें चेंजेस में रिफ्लेक्ट करेंगे और हम यहाँ से उन्हें कमिट कर देंगे. जब हम कमिट करेंगे तो हमारे लोकल मशीन से वो फाइल्स गिटहब के सेंट्रल सर्वर पे अपलोड हो जाएंगी, सो दैट टीम कोलैबोरेट कर सके और मल्टीपल वर्जन कंट्रोल के बेसिस पे हम प्रोजेक्ट्स बिल्ड कर सके. ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम फॉलो करते जाएंगे एज सून एज जैसे हम एप्लीकेशन बिल्ड करते जाएंगे. ठीक है, ठीक. अब हम चलते हैं अपने एप्लीकेशन की तरफ. सो अभी हमारे पास एक बेसिक कोड टेम्पलेट है जो कि हमें यूज करनी है. ठीक है, एप्लीकेशन बिल्ड करने के लिए. सो मैं आपको एक सैम्पल एप्लीकेशन पहले डिस्प्ले कर रहा हूँ कि हमने अभी बेसिक क्या कंटेंट डेवलप किया है. सिमिलर कंटेंट हम डिजाइन करेंगे स्टेप बाय स्टेप इन एंड्रॉइड स्टूडियो. ओके, सो जैसे ही आप एंड्रॉइड का कोई भी एक प्रोजेक्ट बिल्ड करोगे उस प्रोजेक्ट के अंदर एक ऐप क्रिएट होगी. ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी द मेन फोल्डर, ऐप फोल्डर. ठीक है, ऐप फोल्डर के अंदर कुछ मल्टीपल डायरेक्टरीज होती हैं, जैसे मैनिफेस्ट फाइल. मैनिफेस्ट फाइल बहुत इंपॉर्टेंट है. मैनिफेस्ट फाइल के अंदर एप्लीकेशन को रन कैसे करना है उसकी इंफॉर्मेशन होती है, और एप्लीकेशन कौन सी परमिशंस को यूज करेगा उसकी इंफॉर्मेशन होती है. ठीक है, एक XML फाइल होती है बाय डिफॉल्ट क्रिएट होती है. क्या क्या इंफॉर्मेशन इसके अंदर है वो मैं आपको बताता चलता हूँ. ठीक है, सो
इसमें एक पैकेज नेम की इंफॉर्मेशन होती है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. पैकेज नेम क्या होता है? इट इज अ यूनिक आइडेंटिफायर ऑफ योर एप्लीकेशन. यूनिक आइडेंटिफायर ऑफ योर ऐप. नो टू एप्लीकेशंस, कोई भी दो एप्लीकेशंस का सेम ये पैकेज नेम नहीं हो सकता ऑन प्ले स्टोर. प्ले स्टोर जो पहले एप्लीकेशन अपलोड होगी उसी को ही एक्सेप्ट करेगा. अगर सेम पैकेज नेम से कोई दूसरा यूजर एप्लीकेशन बनाता है तो वो एक्सेप्ट नहीं होगी. ये प्रॉब्लम्स ना आए इसके लिए जो इसका नेमिंग कन्वेंशन है वो नेमिंग कहता है कि आप सबसे पहले कंपनी नेम डॉट डेवलपर नेम डॉट प्रोजेक्ट नेम, इस बेसिस पे हम अपना पैकेज नेम क्रिएट करते हैं. ठीक है, सो दैट वी गेट डिफरेंट पैकेज नेम्स. ओके, अब इसके अंदर मैनिफेस्ट फाइल के अंदर, मैनिफेस्ट फाइल एक XML फाइल है. इस XML फाइल के अंदर और कुछ इंटरनल टैग्स होते हैं जिसमें एप्लीकेशन की इंफॉर्मेशन होती है. आपकी एप्लीकेशन की इंफॉर्मेशन का मतलब व्हाट परमिशंस आर रिक्वायर्ड, कौन कौन सी परमिशन की जरूरत है इस एप्लीकेशन को रन करने के लिए, और कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशंस जैसे कि आपको बैकअप रखना है अपनी एप्लीकेशन का या नहीं. ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ राइट फ्रॉम द फर्स्ट. सो यू वॉन्ट कि आपकी एप्लीकेशन का बैकअप फोन रखा जाए तो आप बैकअप थ्रू रखेंगे तो जो भी डेटा है सब कुछ सेव होता जाएगा, कैश मेमोरी के अंदर फोन उसे सेव करेगा. एंड्रॉइड जब आप फोन ओपन करते हैं, ठीक है, जस्ट अलाउ मी वन मिनट, लेट मी जस्ट ओपन वन सैम्पल प्रोजेक्ट हियर. अच्छा, आई थिंक आई हैव ऑलरेडी रन दैट इन द पिक्सेल एपीआई लास्ट टाइम ना. Just allow me one minute. So I'll quickly run it also, and I'll show you step by step. मैंने एक simulator start किया है साथ में. I've selected the available device. Let me rerun it once. So the application phone step by step मैं आपको walk through करके चलता हूँ कि क्या files होती हैं, followed by हम एक new project build करेंगे और उसमें step by step हम code लिखेंगे right from the start. But before you get started in the code, I want to show you some important information. ठीक है? ठीक है.
देखिए, आप देखिए, अब हमारा ये ऑन हो गया एमुलेटर, मैंने इसके मेन्यू पे क्लिक किया है, लॉन्चर बोलते हैं इस आइकन को, लॉन्चर आइकन, ठीक है। लॉन्चर में वी गेट मल्टीपल एप्लीकेशंस जो भी फोन के अंदर अवेलेबल होते हैं। Taking a little slow, let us just get it executed once. ठीक है, ये है हमारा सारे के सारे applications जो भी हमारे phone में available है। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ icons display होंगे। एक second का time दीजिए, थोड़ा सा slow run हो रहा है due to zoom, कई बार स्लो हो जाता है। जी, ठीक है, कंसीडर कीजिए अब ये हमारे पास हमारा लॉन्चर पेज है। ठीक है, इस लॉन्चर पेज पे आपकी एप्लीकेशन का आइकन का फाइल ये होता है। ठीक है, सो इसको हम डिफाइन करते हैं यूजिंग द आइडेंटिफायर एंड्रॉइड आइकन, और एंड्रॉइड आइकन में हम एक पाथ डिफाइन करते हैं फॉर द आइकन। ओके, सो बाय डिफॉल्ट ये जो आईसी लॉन्चर है ये डिफॉल्ट आइकन है ये वाला। ठीक है, ये आप देखो, दिस इज द डिफॉल्ट आइकन, बट वी कैन चेंज इट। ओके, ठीक है, हम इसे चेंज करते हैं। तो अभी हमारे क्योंकि विनीत आप यहाँ पे इंस्टॉल नहीं है, और उसी लॉन्चर के साथ में आप देख रहे होंगे यहाँ पे एप्लीकेशन के नेम भी रिटन है। ठीक है, तो ये जो नेम है ये आता है हमारा लेबल। ओके, लेबल ये डिफाइंड होता है एक स्ट्रिंग्स डॉट एक्सएमएल फाइल के अंदर, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक, फिर कुछ और प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे डिफॉल्ट थीम क्या होगी, राइट टू लेफ्ट लेआउट कैसी होगी, सपोर्ट करता है राइट टू लेफ्ट या नहीं। ठीक है, तो यस इट डस। सो ये बेसिक एप्लीकेशन की कॉन्फ़िगरेशन हो गई। ओके, मैं एक बार एप्लीकेशन को रन भी कर देता हूँ इसी के अंदर, डिवाइस के अंदर, सो दैट देखते हैं कि क्या आता है हमारे सामने। सो दिस इज गोइंग टू कम विनीत हेल्थ केयर ऐप। ठीक है, अभी डिफॉल्ट हमारे पास इस फॉर्मेट पे आ रहा है जैसा हमने की क्रिएट किया था। इसके अंदर हम अपने, सॉरी, इफ आई क्लिक ऑन दिस सिमुलेटर, मैं जो भी मेरे को नंबर डालना है, क्योंकि हमने फोर्थ के लिए डिफाइन किया था, तो वी कैन डू दैट स्टफ। ठीक है, ठीक ठीक, बाकी इसकी स्क्रॉलिंग वो सब मैकेनिज्म अपने करेंगे। ठीक है, ये हम वो ब्लू आइकन हमने बनाए थे। ठीक है, हमें सर्कुलर राउंड करना पड़ेगा, फिर हमने सेंट्रल स्क्रीन बनाई थी जिसमें डॉक्टर के लिए कुछ ऐसा हमने कॉलिंग वाला एक फोटोग्राफ रखा था, तो वी आर गेटिंग द सेम थिंग जैसा का जैसा आपने डिजाइन किया था। ठीक है, तो अगर हम बैक चलें, ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक बार देखना पड़ेगा कि विनीत एप्लीकेशन, आई थिंक शायद ये तो है हमारी DM हार्ट, ये होगी विनीता। ठीक है, ये वाली विनीता। तो अभी इसका लेबल जो डिस्प्ले नहीं हो रहा है, वो सारी चीजें अप्रोप्रिएटली सेटअप करेंगे। वो लेबल इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये जो एक्टिविटी है इसका लेबल एम्प्टी है। ठीक है, ठीक है, इसको हम चेंज कर सकते हैं, सो वी कैन मेक इट एज एड स्ट्रिंग ऐप नेम। ठीक है, ये मैंने अपडेट कर दिया, अंदर से चेक करते हैं एक बार कि जो लॉन्चर एक्टिविटी है, ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट लॉन्चर एक्टिविटी। तो अभी एप्लीकेशन का भी जो नाम है विनीत ऐप, वो हमारे पास डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगर हम बात करते हैं तो आप यहाँ पे देखोगे तो आपको एक आइकन दिख रहा है और विनीत आपको डिस्प्ले हो रही है। ठीक है, सो अब क्या होता है,
कि जो आपकी एप्लीकेशन है उसके अंदर मल्टीपल पेजेस होते हैं, ठीक है, हर पेज को हम एंड्रॉइड के अंदर एक्टिविटी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? एक्टिविटी. सो सपोज अगर हमारी एप्लीकेशन में 5 पेज बनने हैं तो हमारे पास 5 एक्टिविटी होंगी. ठीक है, ठीक है. हर एक्टिविटी की कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि एक्टिविटी का नेम, ओके, अ लेबल जो कि यूजर के लिए डिस्प्ले किया जाता है, यूजर को कैसे पता चलेगा ये कौन सा पेज है. तो पर आते हैं लॉग इन पेज, साइन अप पेज, ठीक है, प्रोफाइल पेज, तो वो सब हो गए लेबल्स, यूजर अंडरस्कोर, ठीक है. इसी के बाद में उसका एक कोड होता है जिसके अंदर हम कोड डिफाइन करते हैं. तो कोड का भी एक नाम होता है, मतलब उस फाइल का भी एक नेम होता है जिसके अंदर हम उस, जैसे लॉगिन पेज बनाया तो लॉगिन पेज की एक्टिविटी का एक पेज बनेगा जिसके अंदर लॉगिन पेज का सारा कोड हम मेंटेन करेंगे, ठीक है. तो वो बनाते हैं हम यूजिंग एंड्रॉइड नेम. एंड्रॉइड नेम इज द यूनिक आइडेंटिफायर ऑफ द क्लास जिसके अंदर आपका उस एक्टिविटी का कोड डिफाइंड है, ठीक है. इसके बाद में फिर उसकी थीम, थीम का मतलब बैकग्राउंड कैसा होगा, कलर्स कैसे होंगे, जो भी हमने इंफॉर्मेशन डिफाइन की है, ठीक है, ठीक है. इसके बाद में जो प्राइमरी एक्टिविटी होती है, यानी जो फर्स्ट एक्टिविटी आप चाहते हो कि लॉन्च हो जैसे ही आप ऐप के ऊपर क्लिक करो, वो इंफॉर्मेशन डिफाइन की जाती है इंटेंट फिल्टर के अंदर, ठीक है. इंटेंट फिल्टर का मतलब ये है कि ये वाला इंटेंट फिल्टर वाला लाइन सिर्फ एक ही हम एक्टिविटी के अंदर रखते हैं जो हमें लॉन्च टाइम के ऊपर रनिंग चाहिए. यानी जैसे यूजर एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेगा, ठीक है, तो कौन सी एक्टिविटी लॉन्च होगी वो हम डिफाइन करते हैं बाय डिफाइनिंग द इंटेंट फिल्टर. तो अब अगर आप देखो, जैसे हम ऐप को क्लिक करते हैं तो हमारी लॉग इन पेज एक्टिविटी ओपन होती है, ठीक है. तो लॉग इन पेज एक्टिविटी इसलिए ओपन हो रही है क्योंकि हमने लॉग इन पेज एक्टिविटी के अंदर अपना इंटेंट फिल्टर डिफाइन कर रखा है जिसमें दो चीजें हैं कि एक तो लॉन्चर पे डिस्प्ले होगी ये, ठीक है, इस वाली लाइन का मतलब है ये एप्लीकेशन लॉन्चर के ऊपर डिस्प्ले होगी, ठीक है, ठीक है. और लॉन्चर पे डिस्प्ले होने के बाद जैसे ही यूजर लॉन्चर पे क्लिक करता है तो दिस इज गोइंग टू बी द एक्टिविटी विच इज गोइंग टू बी द मेन एक्टिविटी विच विल रन. ये सबसे पहली एक्टिविटी होगी जो रन करेगी, ठीक, ठीक है. तो ये इंपॉर्टेंस है मैनिफेस्ट फाइल का, ठीक है. इसी में परमिशंस भी होती हैं, यानी जैसे मान लीजिए अगर हमें हमारे एप्लीकेशन में कोई परमिशन चाहिए होती, जैसे मान लो हम मान लो कैमरा एक्सेस करना चाहते हैं, जीपीएस एक्सेस करना चाहते हैं, ठीक है, तो मैंने ऐसे एक परमिशन डिफाइन की एक्सेस फाइंड लोकेशन, ठीक है, ओके. तो अब क्या होता है कि अब हमारी एप्लीकेशन को कौन कौन सी परमिशंस भी चाहिए वो भी हम स्टार्टिंग में मैनिफेस्ट फाइल के अंदर ही डिफाइन करते हैं, ठीक है, जब हम कोड लिख रहे होते हैं. सो अभी हमारी एप्लीकेशन को अभी फिलहाल के लिए तो जरूरत नहीं है परमिशंस की, इसलिए अभी मैं रिमूव कर देता हूँ, बट सिर्फ सेक ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए आपको ये चीज बता दी है, ठीक है. बाकी हम नए फीचर्स डालेंगे, हम सेव करते जाएंगे उसको, ठीक. तो अब मैंने इसको कोड को सेव कर लिया, ठीक है. आप कंट्रोल एक्स करके भी सेव कर सकते हो, कमांड एक्स करके सेव ऑल भी कर सकते हो. तो जैसे मैंने सेव ऑल कर लिया, कोड ठीक है, पूरा प्रॉपर है, ठीक है. इसके बाद में हम चाहे तो इसे रीरन भी कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन होता है टू रीरन द एप्लीकेशन, ठीक है. नाउ अब इसके बाद में हमारे पास दो और इम्पोर्टेंट कैटेगरीज होती हैं. एक तो कैटेगरी होती है जावा की जिसमें हमारे सोर्स कोड हम लिखते हैं, उसी का सिमिलर सिस्टम हमारे लिए जनरेट करता है स्मैली के नाम से, यानी असेंबली कोड उसका जनरेट करता है, ठीक है. सिमिलरली हम रिसोर्सेज, यानी कि लेआउट कैसा दिखेगा, कैसी इमेजेस होंगी एप्लीकेशन के अंदर, फॉन्ट कैसा होगा, शेप कैसे होंगे, वो सब हम रिसोर्स में डिफाइन करते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है. रिसोर्स फाइल्स का भी बाइनरी जनरेट होता है, ओके, तो ये ऑटोमेटिकली जनरेट होता है. तो जावा या कॉटलिन का सोर्स कोड आप यहाँ पे लिखोगे, ठीक है, और यानी जावा डायरेक्टरी में लिखोगे, कॉटलिन की जो भी फाइल्स होंगी .kt के नाम से होंगी, और बिकॉज कॉटलिन इज बेस्ड ऑन जावा ओनली, ठीक है, ठीक है. और आर ई एस के अंदर होंगी हमारी फाइल्स जिसके अंदर हम अपनी लेआउट डिजाइन करेंगे,
यानी एक तरीके से अगर आप समझो तो आरईएस होता है फ्रंट एंड, ठीक है, कि आपका विजिबल कैसा होगा, और ये जावा वाला पार्ट होता है बैक एंड, यानी इसमें होता है कोड, कोडिंग, ठीक है, ठीक है। तो इसमें आरईएस में एक्सएमएल का कोड होता है मोस्टली, या फिर हम लेआउट एडिटर यूज करते हैं, ठीक है, वी यूज लेआउट एडिटर, और यहाँ पे तो जो कोड है वो तो जावा का ही कोड है, ठीक है, और यहाँ पे हम यूज करते हैं कोड एडिटर, ठीक है, टू राइट द कोड, ठीक है। अब इसके बाद में हमारे पास कुछ और प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि ग्रेडल की प्रॉपर्टीज। ग्रेडल प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट होती हैं आपके प्रोजेक्ट को बिल्ड करने के लिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका प्रोजेक्ट कोई लाइब्रेरी यूज करना चाहता है थर्ड पार्टी, ठीक है, जैसे कि एंड्रॉइड ने आपको कुछ फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर दी अपने APIs के साथ, बट थर्ड पार्टी API ये मान लीजिए, जैसे कि किसी डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी ने कोई एक डिजिटल मार्केटिंग की API बना दी, ठीक है, आप उसको यूज करना चाहते हो अपनी एप्लीकेशन पे, तो वो इंटीग्रेट करने के लिए हमें ग्रेडल यूज करना पड़ता है, ठीक है। ग्रेडल का काम क्या होता है, ग्रेडल आपके प्रोजेक्ट को बिल्ड करता है प्रॉपरली, ठीक है, ठीक है। बिल्ड करने का मतलब आपको पता है कि हमेशा एंड्रॉइड मोबाइल फोन चेंज हो जाते हैं, उनके वर्जन चेंज हो जाते हैं, नए नए वर्जन आते जाते हैं, ठीक है, तो वर्जन कंपैटिबिलिटी रखने के लिए कि कौन सी एप्लीकेशन कौन से वर्जन पे रन होगी, क्या फीचर्स को यूज करती है, वो सारा मैनेजमेंट के लिए हम ग्रेडल स्क्रिप्ट्स का यूज करते हैं, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है, जैसे कि हम यहाँ पे कुछ प्लगइन्स यूज कर रहे हैं, जैसे कि कॉटलिन हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, जो हमारा एंड्रॉइड एप्लीकेशन है उसका कंपाइल SDK वर्जन है 27, ठीक है, यानी एंड्रॉइड वर्जन 27 से हम इसको कंपाइल करते हैं, बट ये रन कहाँ पे होगी, ये 24 से लेके 27 तक अभी रन हो रही है, यानी 24 एंड अबव के ऊपर रन होगी, मिनिमम SDK 24 है, मतलब 24 वर्जन से छोटा अगर कोई एंड्रॉइड वर्जन है तो उसके ऊपर रन नहीं होगी एप्लीकेशन, तो वो हम डिफाइन करते हैं इंफॉर्मेशन ग्रेडल के अंदर। तो डिपेंडिंग ऑन न्यू वर्जन्स, डिपेंडिंग ऑन ओल्डर वर्जन्स, हमें ये करना पड़ता है, बिकॉज़ मान लीजिए आप कोई ऐसा फीचर यूज कर रहे हैं जो सिर्फ नए फोन में अवेलेबल है, और अगर किसी यूजर ने पुराने फोन पे उसको डाउनलोड करके रन किया तो वो तो एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, उसे अवॉइड करने के लिए हम अपने टारगेट SDK वर्जन्स और मिनिमम SDK वर्जन्स को डिफाइन करते हैं, ठीक ठीक है। तो विनीत जी, दैट इज ऑल फॉर, मैं अभी कोड विनीत आप कोड पुश कर रहा हूं GitHub के अंदर, आप उसे डाउनलोड करोगे और इन सारे पार्ट्स को गो थ्रू करोगे और इस प्रोजेक्ट को अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में आप रन करोगे और सिमुलेटर के ऊपर आप रन करके इस पूरे पार्ट को रिव्यू कर दोगे, ठीक है, ठीक है। हम अपना सेशन कल कंटिन्यू करेंगे।